एट अ प्राइस ऑफ 5,500 to 6,000 rupees इज अ स्टील डील। आपको स्टील करनी चाहिए ये वाली डील ताकि आपको एक ह्यूज कैपिटल गेन हो सके, क्योंकि जिस तरीके से दुबई और सिंगापुर में स्काई स्क्रैपर्स हैं, वैसा ही स्काई स्क्रैपर इस बार ग्रुप 108 ने आपके लिए बनाया है, एंड दैट टू इन नोएडा एक्सटेंशन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई नेम सागर यादव और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसको देखने के बाद आप ये कहेंगे भाई साहब ये इंडिया का तो हो ही नहीं सकता, ये ज़रूर सिंगापुर या दुबई का प्रोजेक्ट है। बट बिलीव यू मी, ये सिंगापुर और दुबई का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया का ही प्रोजेक्ट है। इंडिया के अंदर में भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नोएडा एक्सटेंशन कहते हैं जिसे, हनुमान मंदिर चौक के सामने ये एग्जैक्टली प्रोजेक्ट है। एक कहावत है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को तो धार क्या मजधार के। ये कहावत अगर किसी पे ठीक बैठती है तो वो है दो शख्सियत। पहली डॉक्टर अमीश भूटानी है। अमीश भूटानी इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर हु हैज सर्वड मेजर ऑफ द रिनोन्ड हॉस्पिटल्स जो आप जानते हैं, मेदांता को उन्होंने सर्व किया है, साथ में गुरु तेग बहादुर को उन्होंने सर्व किया है। आज की डेट के अंदर वी कैन से ही इज अ मिक्स ऑफ a safe developer and an enthusiastic doctor. And second name is Mr. Sanchit Bhutani, jinko kaun nahi janta, the man behind World Square Mall, iThem, CyberThem and AlphaThem. Jitne bhi projects bane hain sab unique projects hain apne market ke andar, aur inhone ek bahut hi, dono ne milke ek bahut hi behtareen project banaya jiska naam hai GrandThem. GrandThem initially known as Bhutani GrandThem, और जैसे कि आप सभी जानते हैं आज की डेट के अंदर ग्रुप 108 के अंडर में ये प्रोजेक्ट आता है, ग्रुप 108 GrandThem। ग्रुप 108 के तीन प्रोजेक्ट्स हैं, बट आज हम बात करने वाले हैं GrandThem की। जैसे कि इसका नाम है GrandThem, वैसे ही इसकी ग्रैंड एंट्रेंसेस है। वंस यू सी दिस प्रोजेक्ट, जैसे ही आप एंटर करते हैं यू सी अ ट्रिपल हाइटेड लॉबी, एक बहुत ही शानदार लॉबी आपको देखने के लिए मिलती है। इट इज़ अ मिक्स यूज लैंड, 23 acres की बेहतरीन मिक्स यूज लैंड है जिसके अंदर आपको रिटेल मिलेगा, जिसके अंदर आपको फूड कोर्ट्स मिलेंगे, जिसके अंदर आपको आईटी आईटीएस के अंदर आपको आईटी ऑफिसेस मिलेंगे। और इस सब के बीच में जो इसकी सबसे अच्छी यूएसपी है वो एग्जैक्टली है इसके बीच में 3 acres का मैन मेड लेक है। यस, आपने सही सुना, 3 acres का मैन मेड लेक है जिसके अंदर एक यॉट गार्डन है। यू वुड फील mesmerized अगर आपको फाइन डाइनिंग और रेस्टोरों में जाना पसंद है तो दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइन डाइनिंग के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सभी को कैटर करता है, सभी को मतलब एल्डर्स को कैटर करता है, यूथ को कैटर करता है और किड्स को कैटर करता है। किड्स के लिए इन्होंने स्पेशली डिज़ाइन किया है एक पूरा जोन, और उसके साथ में इन्होंने बनाए हैं कुछ राइड्स जिसका नाम है कोरसल राइड, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगा, ड्रॉप ऑफ टावर आपको मिल जाएगा, मिनी कोस्टल राइड भी इस प्रोजेक्ट के अंदर है। तो किड्स के लिए बहुत सारी जोन्स इन्होंने बनाई हैं, क्योंकि सभी को पता है जब आप मार्केटिंग में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं या सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं वो करते हैं किड्स। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है किड्स को, साथ में यूथ का ध्यान रखते हुए इन्होंने 5-screen मल्टीप्लेक्स आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा, विच हैज़ ऑलरेडी बीन लीज आउट टू मिराज सिनेमास। एल्डर्स के लिए इन्होंने एक एल्डर जोन बनाया है, और साथ में यूथ को कैटर करने के लिए इन्होंने एक बेहतरीन, जो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, एक यॉट गार्डन बनाया है जिसके अंदर आप फाइन डाइनिंग का लुत्फ उठा सकते हैं अपने लिए। जो लोअर ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं उनका साइज़ 778 square feet है, ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप्स हैं उनका साइज़ 592 square feet है, और जो फूड कोर्ट है दैट इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और उसका एक एवरेज साइज़ 323 square feet से लेके 350 square feet तक का साइज़ आपको मिल जाता है। एज़ फार एज़ ऑफिसेज आर कंसर्न, इसके अंदर आपको 2 बड़े टावर्स मिल जाते हैं जो कि नोएडा एक्सटेंशन के टॉलेस्ट टावर्स कह सकते हैं आप उनको, जिसकी हाइट G+34 एंड G+32 है। उन दोनों को कनेक्टेड करते हुए एक स्काई डेक भी है जहाँ पर आप बहुत सारे रेस्टोरों का लुत्फ उठा पाएंगे इन द फ्यूचर वंस इट इज़ रेडी। आज की डेट के अंदर प्रोजेक्ट अपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की USPs और क्या हैं। USP बहुत सिंपल है, जो रिटेल है उसकी एक एवरेज हाइट है 14 feet, यानी कि डबल हाइटेड शॉप्स हैं, कोई भी ब्रांड उसको डबल हाइटेड यूज़ कर सकता है। सेम गोज़ विद माई ऑफिस स्पेसेस, ऑफिस की भी एक अच्छी खासी हाइट दी गई है, और जो ऑफिस की एंट्री है, वंस यू एंटर इन टू दोज लॉबीज यू वुड फील कि यार दिस इज़ समथिंग विच हैज़ नेवर सीन बिफोर, हमने पहले ये देखा नहीं है नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा के प्रोजेक्ट्स के अंदर, इतनी शानदार इतनी बेहतरीन एंट्रेंसेज हमने देखी नहीं है, इतना वाइड स्पेस किसी ने छोड़ा नहीं है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये दुबई और सिंगापुर की फील दिलाएगा, तो मैं ये किस लिए बोलता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से दुबई और सिंगापुर में स्काई स्क्रैपर्स हैं, वैसा ही स्काई स्क्रैपर इस बार ग्रुप 108 ने आपके लिए बनाया है, एंड दैट टू इन नोएडा एक्सटेंशन। इसके साथ के अंदर मेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जिसकी फ्रंटेज
340 मीटर है। यस यू हर्ड इट राइट, 340 मीटर है इसकी पूरी की पूरी फ्रंटेज। अगर मैं इसमें कैचमेंट एरिया की बात करूँ, किसको ये कैटर करने वाला है, इसकी टारगेट ऑडियंस क्या है और क्या ये हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे खरा उतर पाएगा, तो मेरे को इसके लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में मेरे को मिलता है सेक्टर 2, जिसके अंदर ऑन एन एवरेज 220 मीटर के सारे प्लॉट्स हैं और 220 मीटर के प्लॉट्स की ऑन एन एवरेज कॉस्ट 3.5 CR है, यानी कि एक बहुत ही अच्छी एजेंट्री मिल जाती है। साथ में प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने मेरे को तीन बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं, ईकोविलेज 1, लेजर वैली और रिवर व्यू हाइट्स। तीनों के अंदर 5,000 अपार्टमेंट्स हैं, यानी कि 15,000 अपार्टमेंट ऑन एन एवरेज। अगर तीन लोग भी एक अपार्टमेंट में रहते हैं तो 45,000 अपार्टमेंट तो सिर्फ और सिर्फ तीन सोसाइटीज़ से हो जाते हैं। और ये कितनी सोसाइटीज़ को कैटर कर रहे हैं, ई कॉलेज 1, अरियन तार्डन, हवेलिया वेलेंसिया, यथार्थ हॉस्पिटल, देवी का, एम्बेसी, पैरामाउंट, स्टेलर, रुद्रा, एनसीआर मुनाक, ए सिटी, एक ही लाइन में है। दूसरी लाइन के अंदर आपको ई कॉलेज 1, पंचील, हाइनेस, स्टेलर का नया प्रोजेक्ट मिल जाता है, स्टेलर 1, साथ में आपको सीआरसी, एटीएस एंड कैपिटल एथेना, और उसके बिल्कुल सामने बैंग ऑन बिल्कुल फ्रंट के अंदर मिलती है आपको सबसे बड़ी मेडिकल हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है मेट्रो। अभी कंस्ट्रक्शन उसकी स्टार्ट हो गई है एंड यू नो द जेंट्री दैट दे प्रोवाइड। और उससे भी आगे आपको मिलती है शहर की इकलौती स्पोर्ट्स सिटी, जिसके अंदर 135 एकर्स के अंदर 10 हाई राइजेज हैं और साथ में आपको विलास मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट की बैक एंड साइड में एक प्रोजेक्ट और है ITITS का, और उसके पीछे आपको फिर रेजिडेंसेस मिल जाते हैं, आपको मिल जाता है CRC, आपको मिल जाता है पंचतत्वा, गैलेक्सी, इरो, संपूर्णम, JM, समृद्धि, रॉयल नेस्ट, सारे रेजिडेंसेस मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट इज़ वेल कनेक्टेड, दो बड़ी रोड्स हैं पूरे नॉड एक्सटेंशन को जो कनेक्ट करती हैं, एक है गौर चौक सूरजपुर रोड और एक है नॉड एक्सटेंशन से सेक्टर 1 से जो रोड आ रही है ATS चौक से जो तीसरे गोल चक्कर तक रोड जाती है। इन दोनों के बीचों बीच सेंटर के अंदर ये प्रोजेक्ट है जो हनुमान मंदिर चौक पर बिल्कुल सामने पड़ जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गौर चौक से लेके एक मूर्ति चौक तक बहुत सारी कमर्शियल बेल्ट्स हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं। गौर सिटी सेंटर हुआ आपका, गौर सेंट्रल मॉल हुआ, साथ में ATS का प्रोजेक्ट है, गैलेक्सी का प्रोजेक्ट है, गैलेक्सी ब्लू सफायर है, गौर वर्ल्ड स्ट्रीट है, PKS है आपका, साथ में साया का प्रोजेक्ट है, साया की साइड में आपका त्रेहान भी है। 130 मीटर पर काफ़ी सारे कमर्शियल्स हैं, बट वेन इट कम्स टू सेक्टर 1 के अंदर कमर्शियल्स ही नहीं है ज़्यादा। जितनी बड़ी पार्किंग स्पेस आपको ग्रंथम के अंदर मिल जाती है, जो कि 23 एकड़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर कोई रेसिडेंसीज भी नहीं है, सिर्फ कमर्शियल के लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ग्रंथम ने बहुत सारा एरिया ऑलरेडी प्रीलीज करा लिया है, बाय द ब्रांड्स ऑफ टाटा से उन्होंने प्रीलीज कराया है, साथ में गो कलर से उन्होंने प्रीलीज कराया है, आदित्य के जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे उन्होंने प्रीलीज करा लिया है प्रोजेक्ट। मिराज सिनेमाज में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ, और साथ ही साथ ऑन एन एवरेज रिटेल के अंदर 300,000 स्क्वायर फीट एरिया को लीज करा चुके हैं, तो मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल इन नोएडा एक्सटेंशन। वेन इट कम्स टू प्राइस, हैंड्स डाउन इस मार्केट के अंदर इतनी USPs के साथ में इस तरीके का प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता है। मार्केट के अंदर ऑन एन एवरेज कमर्शियल की वैल्यू, नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ऐसे भी कमर्शियल हैं जिनकी वैल्यू 50,000 रुपीस के ऊपर है, 40,000 to 45,000 रुपीस की रेंज तो बहुत सारी है। तो क्या इस प्रोडक्ट का प्राइस 50,000 है, 45,000 है, 40,000 है, 35,000 है, 30,000 तो होगा ही, इसका प्राइस 30,000 रुपये भी नहीं है। यू गेट ऑल दीज डील्स अगर आप इसके अंदर जाते हो 778 या 592 स्क्वायर फीट की यूनिट देखते हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 to 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर आज की डेट में मिल जाता है। प्रोडक्ट का पोजीशन अगले एक साल के अंदर है, राइट नाउ स्ट्रक्चर एक लेवल पे आ गया है, कमर्शियल रिटेलिंग का ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है। विद इन अ स्पेन ऑफ 9 months इट वुड बी कम्प्लीटेड, एंड वंस कम्प्लीटेड इट वुड बी मोर देन 35,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। यानी कि अगर आज आप प्राइस परचेस करते हो 22,000 रुपये पर और 35,000 रुपये का प्राइस हो जाता है, तो यू गेट अ स्ट्रेट अवे यू गेट अ बेनिफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट मल्टीप्लाइड बाई 778 स्क्वायर फीट, और आप एक तौर पर देखेंगे कि यू आर गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 90 lakh रुपीज़ टू 1 CR, 90 lakh से 1 crore रुपए का बेनिफिट फॉर श्योर देती है आपको इफ़ यू गो फॉर द रिटेल। और हम ऑफिसेज के प्राइसिंग की बात करते हैं, तो ऑफिसेज के प्राइसेस स्टार्ट फ्रॉम 5,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, गोज अप टू 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर्स, बट इतने प्राइम ऑफिसेज इस प्राइसिंग पे पूरे शहर के अंदर अवेलेबल नहीं है। पूरे शहर के अंदर अगर मैं नोएडा एक्सटेंशन में जाता हूँ और गैलेक्सी ब्लू सफायर के ऑफिस की बात करता हूँ, तो वो 9,000 to 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। गौर वर्ल्ड स्ट्रीट की बात करता हूँ तो उसका ऑफिस स्पेस भी 8,000 to 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इवन ये तो बने हुए प्रोजेक्ट्स है, अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की बात करता हूँ लाइक त्रेहान, उसके ऑफिस स्पेसेस भी 8,000 to 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो आपको काइंड ऑफ नियर बाई रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट मिल जाता है।
एट अ प्राइस ऑफ 5500 to 6000 rupees इज अ स्टील डील। आपको स्टील करनी चाहिए ये वाली डील ताकि आपको एक ह्यूज कैपिटल गेन हो सके। हमारा पर्पस आपको फायदा दिलाना है, आपको कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बेहतरीन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिले जिसपे आप अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमा पाओ। बट इसका प्रोसेस क्या है, डिस्ट्रेस डील में कैसे ले सकता हूँ, मार्केट के अंदर जो प्राइसिंग है उससे बहुत कम डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मैं प्रोडक्ट कैसे परचेज कर सकता हूँ, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, आपको फ़ोन उठाना है और मेरी टीम को संपर्क करना है। दे वुड गिव यू द बेस्ट ऑफ द डील्स, सो कॉल ऑन द नंबर बिलो एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।